हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, मैंने मीशो के ढेर सारे हॉल बनाए हैं आज तक, खूब ढेर सारी साड़ियों के बनाए हैं, सूट्स के बनाए हैं, ज्वेलरी के बनाए हैं, ये सब तो कुछ ज़्यादा ही बना दिए, और बैग के, स्लीपर के। बट मैंने अब विंटर स्टार्ट हुई तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा विंटर्स की भी चीज़ें मंगानी चाहिए जो मुझे आप लोग को दिखाना है, तो मैंने कुछ विंटर्स के लिए चीज़ें मंगा रखी हैं। ये सारे विंटर हॉल हैं और सारे ही विंटर्स के कपड़े हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत यूज़फुल हैं। तो मैं ये आपको पूरा डिटेल अब दिखाऊंगी कैसा है, मुझे कितने का पड़ा है, मैं प्राइस सारे मेंशन कर दूंगी। देखो मैं पहन के क्यों नहीं दिखा पाती आपको, रीज़न पता है, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं इसलिए नहीं दिखा पाती, मेरे पास कोई फ़ोन या मैं वैसे फ़ोन यूज़ करती हूँ अपना जो मेरे पास है, तो फ़ोन मेरा कोई पकड़ने वाला नहीं, तो मैं अकेले ही जब सारा वीडियो बनाती हूँ तो मैं अगर पकड़ के बैठी हूँ और बैठ के फिर हर एक वीडियो पर टाइमर लगाऊँ तो फिर वो मेरे से ना उतना बनता नहीं है, इसलिए मैं जैसे हो सकता है, जितना हो सकता है, मैं आप लोगों को उतना दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं जो मॉडल्स की फ़ोटो होगी या जैसे मैंने इसको लिया है, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगी, बाकी पूरा फैब्रिक या जो मुझे जैसा मेरा मुझे लगा ये मंगाने पे एक्सपीरियंस कैसा गया, अच्छा गया नहीं गया, मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसमें सारी चीज़ें। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं, अभी अभी आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखना चालू किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर ही दिया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें बताऊं, मैंने एक मरून कलर की टॉप मंगाई है जो कि विद कैप है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि देखो जब हुड ये कैप रहती है ना तो थोड़ा सा विंटर्स में जब आप अंदर जैसे आपने इनर पहनी हुई है, इनर के ऊपर आपने टॉप पहन लिया, लोअर पहन लिया, जीन्स पहन लिया, जो भी पहना है ना, तो उसको पहनने के बाद क्या है ना, आप आराम से बस यूं लगाया कैप और आप आराम से वॉक कर सकते हो या कहीं भी जा सकते हो, कहीं अचानक आपको ठंड सी फील आती है कि मुझे कुछ लगाना चाहिए, मैंने कैप या कुछ भी नहीं लिया, तो आप लगा सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड मैंने कलर ये थोड़ा सा, मतलब ये मैं नहीं कहूँगी ये क्रॉप टॉप है, बट बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा लेंथ वाली नहीं है, जितनी लेंथ होनी चाहिए इसकी उतनी है, मुझे बहुत पसंद आई। और ये कपड़ा इसका हौजरी टाइप का है, बट वो हौजरी नहीं है जो एकदम से चिपक जाता है और अच्छा नहीं लगता, मैं आपको बहुत पास से दिखा दूँ। और मुझे ना इनके प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे कि आप नहीं ले सकते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप अच्छे अच्छे टॉप्स चाहते हो तो मीशो पे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और बहुत बजट फ्रेंडली, एकदम आपके बजट में है, मतलब मैंने इवन इसमें 120 ऐसे सारे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं याद है कितने का मुझे पड़ा, बट मैं सबके प्राइस साथ में देख कर मैं मेंशन कर दूँगी। तो मैंने एक ये टॉप मंगाई है और इसको मैं पास से दिखा दूँ, मैं नहीं दिखूँगी, मैं इसको दिखा दूँ पहले ये, और विंटर्स की है तो मैंने पूरा ध्यान दिया है कि फुल स्लीव्स की हो, क्योंकि रीज़न की बिना स्लीव्स के तो ठंड में तो मुझे पहनना है, मुझे क्या किसी को नहीं पहनना है, आपको पता है दिल्ली की ठंडी, पता ही आपको हाई दिल्ली की सर्दी तो इसलिए मैंने ये फुल स्लीव्स की मंगाई हुई है, ये मेरी फर्स्ट टॉप है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे बहुत पसंद है, इसके बारे में क्या बोलूँ क्योंकि ये इसका कपड़ा, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। एंड हाँ, कलर मैं बता दूँ, मैंने कलर ज़्यादा, मैं ब्लैक ग्रे ऐसे मंगाती रहती हूँ, बट ये मैंने थोड़ा सा कलर डिफरेंट लिया रेडिश में। एंड इसके बाद मैं और कैसे दिखाऊँ आपको, ढेर सारी हैं आज मेरे पास, ये एक टॉप है मेरे पास, ये फुल स्लीव्स की है और इसमें 3 कलर्स हैं, वाइट, पिंक एंड ब्लैक। इसमें आपको कलर ऑप्शन और मिलेंगे, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरा कलर ले लो तो आप ले सकते हो, बट मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऊपर की तरफ पूरा ब्लैक है एंड बीच में पिंक है एंड नीचे ये पूरा वाइट दे रखा है, जो कि फुल स्लीव्स हैं, सेम वही पैटर्न, जैसे आपको ये डिज़ाइन मैच हो जाए ऊपर ब्लैक, पिंक और वाइट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट है। अगर आप ऑफिस भी जाना चाहते हो तो भी आप पहन के जा सकते हो, घर पे पहन सकते हो, कहीं भी जाना चाहो तो पहन के जा सकते हो, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा। एंड इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, इनर पहना और टॉप पहना, जैकेट नहीं डाला, स्ट्रक नहीं डाला, अगर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी ये अच्छा लगेगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत अफोर्डेबल है। मैं थोड़ा सा साइज़ हमेशा बड़ा मंगाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिटिंग की टाइट टी शर्ट क्या, मैं जैकेट भी बहुत टाइट नहीं पहन पाती मेरा शुरू से, इसलिए आप
मैं तो यार वीडियोस में भी नहीं देखती, मैं तो वीडियोस भी बनाने के लिए अमित की टी शर्ट पहनती हूँ, अगर पहनी हूँ ना तो पहन लेती हूँ। मैं जिम भी जाती हूँ तो उनकी टी शर्ट पहनती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बहुत थोड़ी सी लूज़ टी शर्ट होती है ना, जैसे ये कपड़ा लूज़ है ना तो मुझे बड़ा कम्फर्टेबल लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो टाइट फिटिंग का होता है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे कम पसंद है थोड़ी सी। तो मुझे ये मैंने सेकेंड टी शर्ट ये ली है, ये भी मुझे बहुत पसंद आई, कलर थोड़ा सा डिफरेंट था, कलर आपको और मिल जाएंगे उसमें, और प्राइस के अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने एक और हाइनेक सा लिया है, ब्लैक पूरा यहाँ तक कवर करता है, उसके बाद आप कुछ भी डाल लो, कैसे भी डाल लो, आप जैकेट डाल लो, क्योंकि देखो अभी जो विंटर अभी तो स्टार्ट हुआ है, जो ठंडियाँ आ रही हैं उसमें आप इनर भी पहनोगे, हाइनेक भी पहनोगे, जैकेट भी पहनोगे। रीज़न ये है कि मेरे बाल बहुत आगे आ रहे हैं, रीज़न ये है कि जो अभी वेदर आ रहा है उसमें आपको ना कई परत पहननी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है यार जब ये ठंड पड़ती है ना। इवन मैंने पिछली बार ठंड में फर्स्ट टाइम मैंने 2 सॉक्स के ऊपर एक थर्ड डाला था, अमित की एक सॉक्स डाली थी, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही थी लिटरली यार, मेरे हाथ पैर ना जैसे बोलते हैं ना कांप रहे थे, मैं ऐसे कर रही थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो मैं जो ठंड अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, 2 साल से करीब बहुत ठंड पड़ रही, तो मैं तो बच्चों के लिए भी प्रिपेयर करती हूँ और अपने लिए भी पूरा प्रिपेयर रखती हूँ अमित के लिए। तो ये एक हाइनेक सी है जो थोड़ा सा आपको बोल्ड लुक, स्मार्ट लुक या फिर पार्टी लुक, आपको जो भी आप चाहो आप कर सकते हो, मुझे तो बहुत पसंद आई। इवन मैंने जब इसको डाला था ना तो पूरा सा एक मेरे पास ब्लैक जीन्स थी, मैंने ब्लैक जीन्स पे मैंने टोटली ब्लैक कर लिया था, पता नहीं मुझे ब्लैक कलर क्यों पसंद आता है, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा ग्रे हो गया, ये सब मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने इसको डाला, मुझे बहुत प्यारा लगा, एंड ये एकदम सॉफ्ट सा बड़ा प्यारा सा, इसका फैब्रिक बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा आप पास से देख सकते हैं, मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ आपको, कैसे बताऊँ, देखो आप इसको ना, और मैं उल्टा करके दिखा दूँ, देखो, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये पहनने के बाद, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने हल्का सा कुछ डाल लिया, तो ये थोड़ा सा अच्छी लेंथ है, आप जीन्स पे डाल लो, लोअर पे तो खैर नहीं अच्छी लगेगी, जीन्स पे डाल लिया, एक स्ट्रक डाल लिया या जैकेट डाली, बड़ा स्मार्ट लुक आता है इससे, मैंने ट्राई किया था एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसमें भी कलर ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो कलर्स और हैं आप ले सकते हो। ये मेरा थर्ड है, एंड इसके बाद मैंने फोर्थ मंगाया है, एक सेम वैसी जैसे मैंने फर्स्ट वाली आपको दिखाई थी वैसी ही, ये ग्रे है, और मैंने बोला ना मैं ग्रे वगैरह बहुत मंगाती हूँ, देखो सेम ऐसी ही 2 स्ट्रिपें दे रखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी जो लाइनिंग सी दे रखी है, और सेम वैसी ही ये कैप है, और इसका ये डोरी वोरी दे रखी है पूरा, कि अगर आप टाइट करना चाहो तो, ये देखो आप फुल स्लीव्स, और कैसे इतना आएगा ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे, मैं सच आपको बताऊँ आपसे तो मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, मेरे पास अभी विंटर्स में पहनने के लिए फुल टी शर्ट थी ही नहीं, क्योंकि अब आगे मुझे जो वीडियोस में देखोगे शायद इन्हीं टी शर्ट में पता नहीं मैंने कहीं रख दी, वैसे जहाँ तक मुझे पता है पिछले साल मैंने निकाल दी थी, दे दी थी किसी को, तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मुझसे अगर किसी ने मांग लिया ना कि हाँ मुझे दे दो, तो फिर मुझसे नहीं होता है, मैं जो पहनी हूँ वो छोड़ के ना मैं दे ही देती हूँ, हाँ ठीक है इसको ठंड ना लगे। तो ये मैंने एक टी शर्ट ये भी मंगाई, मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं टी शर्ट सोच रही थी, बट जब मैंने मुझे लगा विंटर स्टार्ट हो रही है तो मैं विंटर्स मंगाऊंगी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, फैब्रिक ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेट करेगा, फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, इसमें ठंड भी नहीं लगेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। एंड इसके बाद मैंने एक और मंगाई है टी शर्ट, वो भी मरूनिश में है और फुल स्लीव्स ये भी है, ये देखो, क्योंकि मैंने कई बार सोचा ग्रीन वगैरह मंगा लूँ पर पता नहीं मुझे अच्छा लगता नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं मंगाया, और फुल स्लीव्स ये भी हैं, ये देखो फुल स्लीव, और इसमें भी ऐसे ऐसे 2 थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये देखो मैंने ऐसे ही दिखा दिया जितना हो सका, एवी वाला हम दिखा दिया आपको, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी भी कैसे बताऊँ लेंथ हाइट उतनी ही है जितनी मेरी ग्रे और वो रेड की थी, मुझे बहुत पसंद आया ये, एंड इसके बाद ये पूरा ऐसा है, और इसका फैब्रिक उससे थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका फैब्रिक उसे बेटर करने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ये देखो मैं पास से दिखा दूँ आपको समझ जाओगे आप, ये देखो ऐसा नहीं है कि वो जो हॉजरी टाइप का होता है ना वो नहीं है, ट्रस्ट में ऐसा कपड़ा नहीं है, मैं आपको गलत कभी नहीं बताती, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो भी बताती हूँ, जो अच्छा नहीं लगता मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, ऐसे मीशो में मेरा भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस गया ही नहीं है जो अच्छा ना लगा हो। तो ये एक मेरी ये भी टी शर्ट हो गई, और मैंने हाँ रेड मतलब मरून और वाइट ग्रे यही ब्लैक यही सब मंगाया है। अच्छा इसके बाद बारी आती थी, मैंने ना अचानक मैं कुछ सर्च कर रही थी और मुझे एक बड़ी प्यारी सी टी शर्ट दिखी, और उस टी शर्ट में क्या अच्छा था मैं बताऊँ आपको,
मैंने अपने और अमित के लिए सेम मंगाई है, मतलब अमित मतलब हस्बैंड के लिए। यार वो हस्बैंड वाइफ का सेम पेयर होता है ना, मैं कैसे आपको साइड में मेंशन कर दूंगी। अमित तो है भी नहीं, नहीं तो मैं पहन किसी तरह दिखाई देती, और बड़ा वैसे है थोड़ा शर्मिले टाइप के हैं वो, नहीं आना चाहते कैमरे पे। एक दो रील्स में मैंने उनको इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हटते हैं, उनको नहीं पसंद है इतना ज़्यादा ये सब, और मैं इतना ज़्यादा उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ। बट ये जब मैंने मंगाया तो मुझे बोले थे ये क्यों मंगा लिया, क्या अच्छा लगेगा? मैंने बोला बहुत अच्छा लगेगा, तो इसको जब मैं पहनूंगी ना तो चाहे एक शॉर्ट्स डालूंगी बट जरूर डालूंगी, आपको दिखाऊंगी। और वैसे आप देखना चाहते हो तो अमित रील्स में मेरे साथ बहुत कम, बट है एक दो में इंस्टा पे। तो ये मैंने एक, ये मेरी है। अच्छा साइज मैंने थोड़ा बड़ा अपने लिए भी मंगाया है और अमित के लिए भी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत कम्फर्टेबल कपड़े पहनते हैं। तो ये एक, वैसे ये शायद अमित की है, मैं देख के बताती हूँ। नहीं, दिस इज, ये अमित की है, ये देखो, ये वाइट और ब्लैक का है। और अमित ऐसे लाइनिंग वगैरह की टी शर्ट नहीं पहनते, बट बहुत सिंपल थी तो मैंने वाइट और ब्लैक, उनका, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये, उनका ये राउंड नेक में आ जाएगा। राउंड क्या, थोड़ा सा ऐसे वी टाइप का है बट राउंड ही है। ये अमित की और मेरी सेम है, ये देखो फुल स्लीव्स, अभी मैं बहुत जल्दी पहनूंगी। और ये अमित की थी, इसके साथ ये मेरी थी, ये भी देखो फुल स्लीव, सेम पैटर्न है, बहुत अच्छी मुझे लगी रियली। उसमें और ऑप्शन है अगर आपको चाहिए तो, उसमें कुर्ते का भी हस्बैंड वाइफ का सेम है, बच्चों का भी सेम है अगर आपको चाहिए। मैं वैसे वो भी एक एक्सपीरियंस लेने वाली हूँ कैसा लगता है क्योंकि कभी फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना, तो चारों सेम पहनो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जाओगे बनवाओगे तो इससे अच्छा एक मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अगर आपको लगता है कि पहले मैं ट्राई कर लूँ एक बार, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो एक ये हम दोनों की सेम सेम हो गई, और जल्दी ही पहनूंगी। अभी तक मैंने इसलिए नहीं पहना, मेरे पास बहुत लेट, इसके दो तीन चीज़ें बहुत लेट आईं और बिना आपको दिखाए मैं पहन नहीं सकती थी। मैंने टच किया है अच्छे से, बहुत अच्छे से इसका एक्सपीरियंस लिया है, फिर ही आपको बता रही हूँ। अच्छा इसके बाद बारी आती है, जब सब कुछ ले लिया तो मुझे एक श्रग चाहिए था, मेरे पास श्रग नहीं था, और जो है भी वो पहले के थे, तो आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी आपको पता ये सब चीज़ें फिर दोबारा नहीं होती, होती मीन्स मैंने कोशिश की थी, पहले हो रही थी बट थोड़ी सी मेरी तबीयत इधर उधर, तो मैं डाइटिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। तो मैंने एक ये श्रग मंगाया, इसका पहले मैंने ग्रे कलर मंगाया था बट वो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट सा मुझे लग रहा था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया और मैंने फिर ये भी ब्लैक मंगा लिया। ब्लैक श्रग क्यों मंगाया, क्योंकि मैं कोई भी कपड़ा पहने रहा हूं, किसी पे भी ना, इवन मैं अगर साड़ी भी पहनी हूं और मेरे पास ब्लैक श्रग है तो मैं पहन सकती हूं। और ये इसमें ना थोड़ी सी डिफरेंट थी, डिफरेंट कैसे बताऊं, डिफरेंट ऐसे थी, इसमें ना थोड़ी थोड़ी सी ये कॉलर सी दे रखी है, और उसके बाद यहाँ पे ना इन्होंने प्लेट सी दे रखी है, जो बड़ा सा डिफरेंट लुक, बड़ा स्मार्ट सा लुक आ रहा था, मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड सेम इस स्लीव्स पर भी दे रखे हैं, ये देखो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं फ़ोटोज़ आपको इसमें मेंशन कर दूंगी जो देखकर मैंने मंगाया था। और इसका नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जैकेट्स बहुत सोचा मंगाऊं बट आती फिर साइज़ नहीं होता, रिटर्न होती। वैसे मैं कोशिश करूँगी मंगाऊँ, मुझे चाहिए भी, मुझे जैकेट चाहिए, मैं सब वो भी अमित की पहनती रहती हूँ तो मैं मंगाऊँगी। एक ये है, और इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, ब्लैक है, कलर बहुत अच्छा है और फैब्रिक बहुत अच्छा है। इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। और हाँ, आगे से फ्रंट से ये ओपन है, इसमें कोई बटन वटन नहीं है। ये देखो, आप ऐसा नहीं सोचना कि ये बटन वटन, इसमें बटन नहीं है। और मैंने इसको इसीलिए मंगाया क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आ रही थी। मैंने कोशिश की कि मैं ग्रे मंगाऊं बट ग्रे आया थोड़ा सा, मुझे टाइट बहुत ज़्यादा लग रहा था। वैसे वो भी ओपन ही था, मैं चाहती तो ओपन मैं रिटर्न ना करती, बट मुझे बहुत अच्छा ये ब्लैक वाला लगा था इसलिए मैंने ब्लैक मंगा लिया। देखो, और इसकी प्लेट्स के कहीं धागे वागे नहीं निकले हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया एक। एंड इसके बाद एक और बहुत प्यारी चीज़ मैंने मंगाई, मुझे नहीं पता था कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा। एंड पजामा, पजामा पार्टी, ये मैंने एक पजामा मंगाया है, और ये कैसा है मैं दिखाऊं, पूरा ब्लैक है, ब्लैक पे वाइट ऐसे साइड से है, और जो इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाता है वो है इसमें साइड में नीचे ना, जो मिक्स कैसे बताऊं, मिडिल में ऐसे दे रखा है, ये बटन सी दे रखी है, और कोई ओके सॉरी, ये अगर आप चाहो थोड़ा सा फैंसी लुक करना चाहते हो तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर मैं ऐसे ही आपको दिखाऊंगा सेकंड, और नहीं तो आप ऐसे भी इसको बंद भी रहने दे सकते हो। बट मुझे इतनी प्यारी लगी वो, कंफर्टेबल टाइप का ना, आप ऐसी पैंट्स जब भी आप लो ऐसे ना, ऐसी पैंट्स तो आप इसको जब लेने की, देखो मैंने बटन ओपन कर दी थी,
ये है और काफी अच्छा लुक आता है। अभी उतनी ठंड नहीं आई कि आप बटन वगैरह ओपन नहीं कर सकते हो और एकदम टाइट करके रखो। इवन मैंने अभी भी मैं क्या बताऊँ, मैंने अभी भी एक फैन चला रखा है 3 पे, तो मुझे अभी उतनी वाली ठंड नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट लुक, यही तो सबसे अच्छा वेदर होता है जिसमें आप स्मार्ट लुक भी क्रिएट कर सकते हो और सुंदर लग सकते हो। तो मैंने एक ये मंगाया पजामा, मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने लोअर इस तरीके से, लोअर जीन्स ये सब, लोअर मीन्स मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं मंगाया था, जीन्स हुआ लोअर हुआ, हाँ मैंने इसको मंगाया, मैंने इसको रिटर्न किया। मेरे को थोड़ा सा ढीला सा था, बहुत ज़्यादा लूज सा लग रहा था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। बट हाँ, लेकर गए और आ गया मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसे थोड़ी सी कमर है हल्की फुल्की, वो मैं एडजस्ट कर लूँगी, मुझे हो जाएगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी ऐसी कोई पैंट मंगाओ जो बिल्कुल एकदम से लूज सी हो, आजकल तो जीन्स भी ऐसी पहनते हैं ना कि वो थोड़ी सी लूज। मुझे देखो मैं बताऊँ, ऐसे कपड़े मुझे इसलिए पसंद आते हैं, पहली चीज़, फर्स्ट चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। एंड इसके बाद इस पर जैसे क्रॉप टॉप वगैरह पहनो ना, तो आप वैसे पहनो, देखो पहनते हैं लोग, बट मैं एकदम से ओपन वैसे नहीं पहनती हूँ। जैसे क्रॉप टॉप पे आपने पहना, तो आप थोड़ा सा क्रॉप टॉप हो और ये लूज़ हो, हमेशा ना नीचे लूज़ हो तो ऊपर थोड़ा सा फिटिंग का हो, ऊपर लूज़ हो तो नीचे थोड़ा फिटिंग का हो, तो ऐसा पहनो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए इसको मंगाया, और इसका कपड़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। वो मोटा सा है, मोटा मीन्स इतना ही मोटा है, देखो ये बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कैसे दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छा है। अब पहनने के लिए ठंडियों में बहुत अच्छा है, नीचे आपका इनर भी है तो वो भी टाइट टाइट नहीं लगेगा, चिपका सा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, फैब्रिक बहुत प्यारा है। अब मैं जल्दी जल्दी से इसको पहनूंगी और पहन के आप लोगों को, अगर वीडियोज़ में मैं पूरा आपको नहीं दिखती हूँ, आप देखना चाहते हो मैं चीज़ें पहनती हूँ, कहाँ दिखती हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे कभी कभी पूरा दिख जाती हूँ, क्योंकि रीज़न ये है जैसे मैंने टाइमर लगाया और पीछे हो जाती हूँ, फिर फटाफट से उसमें आ जाता है, तो जितना हो सकता है मैं पूरा उसमें दिखने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोग पूरा लुक देखना चाहते हो तो उसमें देख सकते हो मुझे, और अभी जल्दी मैंने साड़ी में उसमें डाला भी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने ढेर सारे सामान मंगवाए थे, ये विंटर्स में बहुत ज़रूरी होते हैं। विंटर्स में देखो आपको टी शर्ट भी ज़रूरी है, आपको श्रग भी ज़रूरी है, जैकेट भी ज़रूरी है, लोअर भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, और इसमें से ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं पहनना है। रियली बता रही, मैंने वीडियो बना दी और मुझे पहनना है, मुझे ज़रूरत थी, और इसमें से मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कम अच्छी लगी, मुझे सब कुछ बहुत 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 प्यारा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनमें से कुछ भी मंगाना चाहते हो आप तो ज़रूर मंगा लेना, क्योंकि विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जहाँ सर्दियाँ नहीं होती वहाँ थोड़ी, इस मौसम में जहाँ पर सर्दी नहीं होती, इवन मेरी सिस्टर भी बॉम्बे में है, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा वेदर हल्का लगने लगता है, तो अगर आप फुल टी शर्ट वगैरह चाहते हो तो आप वो भी मंगवा सकते हो। मत पहनो आप जैकेट का मौसम नहीं आपके यहाँ पे, बट फुल टी शर्ट वगैरह आप मंगा सकते हो। तो मैंने तो बहुत, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गया, आप लोग मंगाओ यार, विंटर्स भी इंजॉय करो। हम लोग ठंडियाँ गर्मियाँ इंजॉय करते हैं, बरसात मानसून की शॉपिंग करते हैं, समर्स की करते हैं, समर्स में मैंने किए थे ना, यहाँ पता होगा, ये भी मैंने मीशो से लिया था, तो ढेर सारी शॉपिंग मैंने कर ली। और इस शॉपिंग में से जो भी आपको चाहिए इसमें से आप मंगाओ, बहुत अच्छा है सब कुछ। अभी सेल भी शायद आ गई है मुझे लग रहा है। तो चलिए, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।